नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लोबिया की भाजी सिखाने वाली हूँ, जिसे गुजराती में चौड़ा कहा जाता है, इसे इंग्लिश में ब्लैक आई पी कहा जाता है। उसकी भाजी मैं आज सिखाने वाली हूँ। ये मेरी पर्यूषण स्पेशल रेसिपी है। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है, जिसके वजह से इस सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही अलग प्रकार से बनाई है, ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए लोबिया की भाजी बनाना शुरू करते हैं। लोबिया की भाजी बनाने के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार करने वाले हैं, वो कर लेते हैं। मैंने दो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 लौंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, मैंने 3 कश्मीरी मिर्च ली है जिसे मैं कैंची से कट कर लेती हूँ। मैंने कश्मीरी मिर्च के बीज नहीं निकाला है, उसके साथ ही हम इसे कट करेंगे, क्योंकि पर्यूषण में हम हरी मिर्च यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लाल मिर्च से ही उसका तीखापन लाएंगे। एक तेज पत्ता लेना है, जिसको मैं ऐसे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1.5 टेबलस्पून सूखा नारियल जिसे सिलोनीस खमन कहा जाता है, वो मैंने लिया है। अब हम सारी सामग्री को रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे धीमी आंच पे भूनना है। आप यही मसाला यूज करके मूंग, मसूर, राजमा, काले चने, छोले की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमें मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। और बाकी मसालों के रोस्ट होने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नारियल भी बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। हमारे मसाले सिक के तैयार हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद मैंने सारे मसालों को मिक्सी के जार में ले लिया है। अब मैं इसे चर्न कर लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है। अब मैं इसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा। थोड़ी सी हींग डाल के हम इसे सौते कर लेंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है और हमने जो मसाला तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं पूरा मसाला इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आप कोई भी सब्जी में ऐसे फ्रेश मसाला पीस के यूज़ करेंगे तो वो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हम मसाले को थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेंगे, जिससे कि सब्जी और फ्लेवरफुल हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। 1 से 1.5 मिनट होने के बाद मसाला हमारा अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी, करीबन ये 300 ml पानी है। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके इसे उबालेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। मैंने 2 कप बॉइल्ड लोबिया लिया है। मैंने लोबिया को रात को भिगो दिया था और सवेरे मैंने इसे कुकर में 4 सीटी बजने तक कुक किया था। लोबिया बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ। चुटकी हल्दी डालूंगी, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए सब्जी को उबालेंगे। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं।
और आप इसे पजुशन के बगैर बना रहे हैं तो आप इसमें हाफ टी स्पून मिर्ची का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट सब्जी उबल चुकी है और आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सब्जी और गाढ़ी होगी। हमारी लोबिया चावली चौड़ा की सब्जी बनके तैयार है, आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।